हेलो ऑल, कि जो चॉकलेट के दाग थे वो काफी कॉलर के क्या हाल थे, पर अब आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी स्ट्रेन नहीं है। तो ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कितना बुरा हाल इस स्वेटर का हो रहा है। देखिए रात क्या हालत थी और अब ये देखिए, और ये सब देखिए बिल्कुल एकदम साफ है। हेलो एवरीवन, आज आपके साथ मैं कोई कुकिंग वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। जैसे कि आपने शुरू की क्लिप्स में देखा है कि किस तरह से इस शर्ट पे और स्वेटर पे बहुत ज़्यादा चॉकलेट केक के और स्ट्रॉबेरी केक के स्टेन्स पड़े हुए थे। इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने बहुत आसानी से इसे साफ़ किया, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और मैं कर चुकी थी तो मुझे याद आया कि आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करूँ। ये जैसे कि आप सभी जानते हैं, बर्थडे होता है तो बच्चे केक वगैरह लगा देते हैं। ये एकदम न्यू ब्रांड न्यू जो है शर्ट पहनकर गया था, और ब्रांडेड शर्ट है, और जल्दी से ये चीजें जो है ना ऐसी भी नहीं होती कि रिजेक्ट कर दो। तो मैंने जो हैक किया तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैंने इस पे लगा करके छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या घोल तैयार किया था, वो पूरा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए ये घोल मैंने बनाया था और ये अभी भी बॉटल से निकल रहा है। तो इस तरह से हमने ना गाढ़ा घोल लगाना है। तो ये पिंक कलर की शर्ट है, व्हाइट भी नहीं है कि हम इसको जो है ब्लीच से साफ कर दें, तो हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैंने बनाया है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या बनाया, क्योंकि ये एकदम मुझे एंड में याद आया। पिंक कलर की है, और लेकिन फिर भी ये देखिए शेड यहाँ कलर का और ये अलग अलग शेड हो गए। तो अब देखते हैं कि इस शर्ट का क्या होता है। हालांकि जो चॉकलेट के दाग थे वो काफी हद तक खत्म हो चुके हैं। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा डार्क कलर था। तो ये घोल भी मैं आपको दिखाऊंगी, साथ ही मैं आपको बताती हूँ मेरे बेटे ने एक स्वेटर भी पहना हुआ था, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी भी हालत क्या खराब हुई हुई है। तो आप इस हैक को कर सकते हैं। देखिए पता नहीं लाइटिंग वगैरह का क्या हिसाब किताब होगा। मैंने अभी तक लाइट भी नहीं जलाई जल्दी में, क्योंकि फिर देर हो जाती है। हल्का सा मैं इसको रब कर रही हूँ, और इसको हमने ना ऐसे ही छोड़ देना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो स्वेटर मेरा बेटा, ये देखिए शेड कितना खराब हो गया है। इस पर भी हम लगा देते हैं, हो सकता है कि वो चॉकलेट के साथ उसमें स्ट्रॉबेरी हो, तो उसका ये शेड आ रहा हो। पूरा फर्श भी मेरा अभी पानी से गीला होने लगा है इसकी वजह से। तो ये हम लगा करके यहां पर भी मैं लगा दूंगी अच्छी तरह से। जहां जहां भी आपको दाग लग रहे हैं ना, वहां सब लगा लेना है। और ये इतना थिक घोल बनाया है ना, और ये बहुत अच्छे से हमने इसको रब करके, और अब मैं इसको छोड़ दूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्वेटर। हाँ, जो है सर्दियां बहुत है। ये देखिए, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि स्ट्रॉबेरी जरूर होगा उसमें, तो ये देखिए आप ये देख सकते हैं कितना बुरा हाल इस स्वेटर का हो रहा है। और शर्ट का तो जो हाल था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं स्लीव्स इसकी सीधी कर देती हूँ। ये देखिए पूरा हर तरफ से लगा हुआ है। अभी आपके सामने ही मैं ये स्वेटर पे लगाऊंगी सेम यही चीज। तो घोल क्या है वो मैंने आपको बताना है एंड में, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसको कर लूं, नहीं तो ये जो घोल है इसका असर खत्म ना हो जाए। तो इसके लिए हर जगह मैं ये दाग जहां जहां भी लग रहे हैं ना, सब जगह लगा दूंगी, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। और मुझे लगता है इतना सारा दाग लगे हुए हैं ना कि मुझे घोल भी शायद और बनाना पड़े। ये देखिए बॉटल में मैंने बना लिया था, और जैसे जैसे लगा रही हूँ ना, मैंने स्टैंड में भी नहीं लगाया कैमरा, मेरी बेटी साथ में मेरी हेल्प कर रही है आज, तो वो बेचारी, आप पहले भी मिले हो, इसकी वीडियोस आपने देखी होंगी, इंजॉय किया होगा जरूर। नहीं देखी है तो देखिएगा। इसने डालगोना कॉफी बनाई थी, और क्या बनाया था, गार्लिक ब्रेड बनाया था, काफी सारी बनाया था, हमस सैंडविच बनाया था। तो आप जरूर देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। तो ये स्वेटर को भी देखते हैं किसका हाल जल्दी सही होता है, शर्ट का कि स्वेटर का। ठीक है, अभी ये बहुत सारे दाग लगे हैं, तो सब जगह मैं लगा करके इसको छोड़ दूंगी। तो अब मेरी जो ये बॉटल है ना, वो सारी ही खत्म हो गई है, क्योंकि काफी सारे दाग हैं। अब देखिए कि कितनी थोड़ी सी में ये पूरी बॉटल बन जाएगी। हमने कुछ ज्यादा चीजें नहीं मिलानी, आप चाहें तो थोड़ा पानी मिला सकते हैं, अगर दाग उतने पक्के ना हो। तो ये मैंने लिया है प्रिल, आप कोई सा भी लिक्विड डिश वॉश ले सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है मीठा सोडा, और इत्तेफाक से मेरे पास ये पैकेट पड़ा था, मुझे तो पता नहीं था ना कि बच्चा ऐसे करके आएगा या उसके साथ ऐसा होगा। साथ में है ये विनीगर, किसी भी ब्रांड का ले लें। आमतौर पर आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग बनाते भी हैं। अब देखिए कि हमने क्या करना है, सीधा अंदाजे से ही मैं डाल रही हूँ, स्पून इस्तेमाल करूंगी मीठा सोडा डालने के लिए। तो करीब अंदाजे से मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच लिक्विड डिश वॉश, और इस तरह की सैनिटाइजर की बॉटल सभी के पास घर में आजकल तो पड़ी होंगी। और मुझे नहीं पता कि कितना आपको दिख रहा होगा कैमरे में, थोड़ा मैं पास आ जाती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से हमने, ये देखिए इतनी, ये यहां से दिखा रही हूँ, इतना हमने बॉटल भर लिया।
अब बंद कर देते हैं। साथ ही अब हम डालेंगे विनेगर, पहले डाल देते हैं मीठा सोडा। तो ये मीठा सोडा डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। बिल्कुल भी मैं क्लिप ना कट नहीं करूंगी, थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन आपको पता चल जाएगा अगर ये फायदेमंद होता है, स्टेन्स के निकलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा आपके सामने ही। तो ये 1.5 चम्मच हमने डाल दिया मीठा सोडा। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी मिला देती हूँ। तो जो ये पानी है ना, आधा कटोरी है, तो ये मैं मिला ले रही हूँ। ये देखिए, ये यहाँ तक इतना हो गया, ये देखिए यहाँ तक बन चुका है। अब हम डालेंगे विनेगर, विनेगर हमने डालना है इतना, ठीक है। मीठा सोडा इसमें पहले से पड़ा हुआ है तो झाग बहुत तेजी से आएंगे। और शिजा बेटे आप जल्दी से, मैं यहाँ पे सबसे पहले डाल देती हूँ जो हमारे स्वेटर है ना जिसपे हमने लगाना है वो डाल देती हूँ, नहीं तो एकदम से उबाल आएगा तो सब यहीं पे गिर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्वेटर फैला दिया है और इसमें बीच में भी काफी दाग पड़े हुए हैं। तो ये देखिए, अब हम डालेंगे विनेगर, और विनेगर कम से कम 1/2 से 1 कप आपने डालना है। ये देखिए उठने लगा, ये धीरे 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 ये झाग ऊपर आने लगेंगे। तो बस हमने ना बस इसी तरह से ये बनाया था, ये केमिकल रिएक्शन जो होगा ना। तो ये देखिए हमने इस बॉटल को बंद कर दिया और ये गैस बन रही है और ये सारा का सारा ऊपर आने लगेगा। और अभी देखिएगा आप बिना किसी दवाई, यहाँ पे देखिए ये झाग निकलने शुरू हो गए। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इससे अगर आप करेंगे तो झाग नहीं निकलेंगे, इतना अंदर प्रेशर इसका बन चुका है। अब आपने ये खोलना है और ये जो झाग है ना ये डालने आपने शुरू कर देना है इस तरह से। तो बस ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने है सारी चीजें। उस टाइम मैंने जल्दी में देख करके फटाफट से बना दिया, मेरे पास कैमरा मैंने ऑन नहीं किया हुआ था, लेकिन इस स्वेटर पे जिसपे मुझे लग रहा है कि ज्यादा मुश्किल है दाग छुटाना, तो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो मैंने पूरा इंतजाम किया, जब मुझे बनाना ही था केमिकल तो मैंने पहले यहाँ पर सब कैमरा अंदर फिट किया और साथ ही यहाँ पे प्लास्टिक बिछाई पहले, उसके बाद हमने ये किया है। और ये देखिए बस अब हमने इसको छोड़ देना है, ठीक है। बस पता नहीं आपको कितना कैमरे में दिख रहा होगा, तो बस अब हमने ना इसको हर जगह जहां जहां भी आपको निशान नजर आते ना आपने कर लेना है, छोड़ देना है ऐसे। अब मैं देखती हूँ शर्ट उसके क्या हाल है, लेकर आती हूँ, अगर जरूरत है तो उस पर भी लगाएंगे। और ये देखिए, ये हाल देखिए आप, केमिकल रिएक्शन जब होता है ना तो इसी तरह से होता है। देखिए शर्ट का बहुत ही बुरा हाल था लेकिन अभी काफी हद तक सही है। बस मुझे ये है चॉकलेट के दाग तो फिर भी हट गए, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी जो केक है इसका पता नहीं कैसे साफ होगा कैसे नहीं होगा। आपको ऐसे ही छोड़ना है और आपने ना हल्का हल्का ब्रश अगर लगे तो आप लगा दो फिर बाद में, लेकिन मैं इसे करीब 1/2 से 1 घंटा इसको छोड़ूंगी, फिर मैं धोने के बाद आपको दिखाऊंगी जब ये सूख जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप वीडियो जरूर देखिएगा। और ये देखिए हर तरफ इस केमिकल को अच्छी तरह लगा लेंगे और छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटा, फिर हम दिखाएंगे। तो चलिए अब इसको छोड़ देते हैं और धोकर हम दिखाएंगे इसको। लो जी स्वेटर का तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ धोने से पहले ही, कि स्वेटर को तो ज्यादा टाइम हुआ नहीं रखे हुए और आप पास से देख सकते हैं और आपने पुराने हाल देखे हुए। मैंने फोटो वोटो कुछ नहीं लिया कि मैं थंबनेल वगैरह पता नहीं मैं किस तरह बनाऊंगी, मुझे वैसे भी थंबनेल वगैरह कुछ आता ऐसा है नहीं, बस जो काम आता है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही होती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम साफ हो गया है, कहीं भी आपने इसकी हालत देखी थी शुरू में कहीं भी कोई भी दाग इस पर नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अभी हमारी जो शर्ट है ना, क्योंकि बहुत डेलिकेट कपड़ा था, प्योर कॉटन और बहुत अच्छा फाइन फैब्रिक था, तो इस पे से जो है ना थोड़ा मुझे लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा साफ, लेकिन इसे मैं अभी और छोड़ूंगी। लेकिन हाँ, पहले से आप देख सकते हैं पहले से तो काफी बेहतर है, क्योंकि पिंक कलर है तो हम इस पे जो है ना आला वगैरह या ब्लीच कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखिए कुछ कुछ दाग तो ना इतने सारे जगह जगह लगे मुझे नजर भी नहीं आ रहे, तो ये और लगा देते हैं इस पे। तो ये केमिकल रिएक्शन तो इसमें होता है, ये भी केमिकल ही है लेकिन फिर भी उतना हार्श नहीं होता। ये देखिए जगह जगह स्टेन्स लगे हुए हैं और मुझे नजर भी नहीं आ रहे हैं, जहां ज्यादा ज्यादा थे हमने वहां तो लगा दिया, निकल निकल करके आ रहे हैं। और इस शर्ट पे ना मैं 2-3 बार लगा चुकी हूँ,
शुरू में आपको दिखाया था, फिर दोबारा बनाया, फिर एक बार और बनाया, और जब मैंने तीसरी बार बना के लगाया उतनी देर में ना हमारा स्वेटर बिल्कुल साफ हो गया था। हालांकि इसके कॉलर भी आप देख सकते हैं काफी साफ हो चुके हैं, ये देखिए दोनों साइड से, लेकिन ये पिंक कलर का जो स्ट्रॉबेरी का है ना, थोड़ा सा हो सकता है ये भी साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए इसे भी धो करके दिखाऊंगी। स्वेटर मैंने बहरहाल आपको दिखा दिया है कि स्वेटर एकदम बिल्कुल नया जैसा हो गया है, ठीक है, स्वेटर में कहीं भी कोई स्टेन नहीं रहा। हालांकि इसका तो मैंने आपको दिखाया भी था कि तब बुरा हाल था। तो चलिए अब वॉश कर देते हैं हम शर्ट को, 10-15 मिनट में और छोड़ दूंगी इसको, क्योंकि कई कई स्टेन्स मुझे अभी नजर आ रहे हैं, एक बार और अच्छे से चेक करूंगी, उस पर लगाऊंगी और इसे छोड़ दूंगी। बाकी मैं धो करके सुखा करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। तो भाई देखिए, मैंने आपसे कह जरूर दिया था कि मैं जो है ना सुखा के दिखाऊंगी, ये करूंगी, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि मैंने आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो जो स्वेटर था वो तो ठंडे पानी से मैंने वॉश किया था, क्योंकि कभी भी वूल को गर्म पानी से वॉश नहीं करते, नहीं तो खराब हो जाता है, सुखड़ जाता है। कितना भी स्टेन पक्का हो, कुछ भी हो, आपने गर्म पानी से वूलन को नहीं धोना। अब जैसे कि आप जानते हैं ये प्योर कॉटन की शर्ट है, और आप देख सकते हैं कि इसका क्या हाल था, देख रहे हैं। और ये देखिए दोनों साइड से पिंक कलर का भी मुझे लग रहा था कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, सब चला गया। और मैं इसको धो रही हूँ ल्यूक वार्म से, यहाँ पे मैंने हल्का सा गर्म पानी और साथ ही थोड़ा सा मैंने ठंडे पानी की टैप दोनों ऑन कर ली। तो ये ल्यूक वार्म से धोया है और इसका स्टेन निकल गया है, ठीक है। और अभी बहुत सारे झाग हैं, मैं आपके सामने ही इसको धो रही हूँ, ठीक है। मैंने कोई बिल्कुल ब्रश नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया, बस हाथ से जैसे मैं रगड़ रही हूँ ना, बस इसी तरह मैंने स्टेन्स को रगड़ा था जो थे ना। और मैं वॉश बेसिन में भी इसीलिए धो रही हूँ, एक तो मुझे पानी मिल जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा गर्म और ठंडा, मुझे अलग से बकेट में मिला के नहीं करना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि यहाँ पे खड़े होके ना मैं आपको दिखा सकती हूँ, और मैंने जो कहा था ना आपको 1-1.5 घंटा, तो मुझे शर्ट को, मैं तो बहुत बेचैन हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने जैसे ही स्वेटर धोया मैंने तुरंत ही इसको उठा करके धोने ले आई कि मैं ना थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म से धो दूंगी, ल्यूकवॉर्म वाटर से, तो ये साफ हो जाएगी। अब देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन यकीन करें ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद रहेगी। तो अब आपने देख लिया कि हर एक जगह से ना इसके दाग जा चुके हैं, सबसे ज्यादा तो कॉलर पे। जब मैं इतनी खुश हो रही हूँ ना, मेरा बेटा देखेगा तो वो खुश हो जाएगा। मैं इसको प्रेस करके उसकी अलमारी में टंगा दूंगी, तो उसने तो खुशी हो जाना है कि मम्मा आपने ना बिल्कुल बढ़िया कर दिया। तो चलो दिखाती हूँ इसे सुखा करके, बिल्कुल अच्छे से ड्राई करके कल को। तो ये स्वेटर सूख चुका है, रात ही ड्रायर लगा दिया था, और इधर ये शर्ट भी सूख चुकी है। चलिए इसे अंदर चल के चेक करते हैं कहाँ कहाँ से इस पे दाग रहे हैं। तो ये देखिए, ये रात जो कपड़े हमने धोए थे वो हैं, और चलिए इसे चेक करते हैं। अभी मैंने सुखा कर लेकर आई हूँ इनको बाहर से, तो ये देखिए रात क्या हालत थी, और अब ये देखिए ये इसका असली कलर ही है, ये पट्टी लगी हुई है, कोई केक का दाग नहीं है। और ये सब देखिए बिल्कुल एकदम साफ है, देखिए हर जगह से स्लीव्स और ये सब का सब पूरा अच्छे से साफ हो चुका। आप शर्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्वेटर तो रात ही एकदम झट से साफ हो गया था, जल्दी से साफ हो गया था। तो ये देखिए कॉलर के क्या हाल थे, पर अब आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी स्टेन नहीं है, जो मुझे पिंक कलर का था कि इसे पिंक कलर चढ़ गया था ना, थोड़ा सा डार्क पिंक, क्योंकि ये तो लाइट पिंक है और डार्क पिंक इस पर बहुत ही अलग से नज़र आ रहा था। तो ये देखिए कहीं भी कोई भी दाग इसमें बाकी नहीं रहा। तो आप भी इस तरह से आसानी से चॉकलेट के, स्ट्रॉबेरी केक के, ऑयल के, काफ़ी तरह के दाग छुड़ा सकते हैं। अगर आपको और इस तरह की जानकारी लेनी है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर परमानेंट मार्कर के निशान हैं तो आप किस तरह छुटाएं, हल्दी के दाग हैं उन्हें किस तरह से छुटाएं, ऑयल का, इस तरह के काफ़ी तरह के दाग वगैरह लग जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए उस तरह की वीडियो तो आप बताइएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।